आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर बुक की द चैप्टर फॉर एनी ग्रोरी। द चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हिच इज रिटन बाय विलियम बटलाइट। द चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल्फलेस लव। ये जो पोयम है जो आज हम देखने वाले हैं, जो क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश लिटरेचर की जो पोयम है फॉर एनी ग्रोरी, जिसे लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने, एंड द चैप्टर इज ऑल अबाउट लव, सेल्फलेस लव की यहाँ पे बात होने वाली है। वो लव व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग, है ना, तो उसी चीज के ऊपर बात करने वाले, एंड हु कैन लव यू सेल्फलेसली, इसी चीज को देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइटर ने क्या समझाने की कोशिश की है, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। द पोयम नेम इज फॉर एनी ग्रोरी। एनी का मतलब ही होता है यहाँ पे विमेन और गर्ल, यानी एक विमेन और गर्ल का भी मैसेज है, यानी द राइटर एंड द गर्ल आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक यंग मैन एंड एक यंग वुमन, और किस तरह के ऊपर, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और उन बातों से क्या मैसेज निकल रहा है, उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि पोयम इज ऑल अबाउट लव, सेल्फलेस लव, तो उन्हीं चीजों के बाद बात हो रही है कि सबसे पहला अगर स्टैंजा हम देखें, दिस वन द फर्स्ट स्टैंजा, टोटल तीन स्टैंजा में इस पोयम को बताया गया। द फर्स्ट स्टैंजा इज नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड। यहाँ पे यही बोला गया कि नेवर शैल अ यंग मैन, यहाँ पे यंग मैन जो बोला गया, यंग मैन यहाँ पे लवर को बोला गया, मतलब एक यंग मैन और एक यंग बॉय आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मे बी द राइटर, तो उससे बात हो रही है एक वेमेन की, और राइटर कह रहे कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। अगर हम डिस्पेयर की बात करें तो इट मींस सैड, दुख, यानी बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर टेयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट थर्ड लाइन को देखें तो नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड, इट मींस के राइटर यानी जो यंग मैन है, जो यंग लेडी यानी एनी को जो कह रहे हैं कि कभी भी अपने किसी आशिक को या यंग मैन या लवर को दुख मत दो, गमगीन मत करो इन ग्रेट हनी कलर्ड की बालों से। उसने अपने बाल को एक हनी कलर मतलब गोल्डन कलर का करा लिया, गोल्डन ब्राउन यानी ब्लोंड हेयर, जो ब्रिटिश लड़कियों के ज्यादातर बाल होते हैं, तो वही कहा गया कि नेवर शेयर अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कभी भी लवर को या यंग मैन को परेशान ना करो, उन्हें दुख ना दो अपने सुनहरे रंगों के बालों से, इस ब्लोंड यानी गोल्डन कलर के बालों से। क्यों? क्योंकि जब ये बाल है जो रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, अगर हम रैम्पर्ट्स की बात करें, रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, रैम्पर्ट्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे किलो के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें हम खींच देते हैं, तो किलो के चारों तरफ जो लंबी लंबी दीवारें वो रैम्पर्ट्स कहलाते हैं, वैसे ही जो बाल है कानों की तरफ आ रहे तो पूरा कान ढक चुका है, कान के लिए वो रैम्पर्ट्स का ही काम कर रहा है। इट मींस कि बड़े बड़े महलों के चारों तरफ जो किले की लंबी लंबी दीवारें खींचवा दी जाती है, उसे हम रैम्पर्ट्स कहते हैं, हाई वॉल्स, वाइड वॉल्स। तो ये कानों के पास जो बाल है उसे ढकने की वजह से इसके स्किन का कुछ हिस्सा ढक जा रहा है, इस वजह से लोग इन बालों को पसंद करने लगेंगे, तुम्हें नहीं पसंद करेंगे क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी तो दिखी नहीं रही है ना, और तुम्हारे बालों का कलर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, इस वजह से दे मे लव यू। तो नेवर शैल अ यंग मैन, उन्हें कभी गमगीन ना करो, थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड, इन गोल्डन कलर के बालों से जो कानों के तरफ रैम्पर्ट्स यानी किले की तरह ढक रहे हैं, इसे कवर कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया रैम्पर्ट्स किलो को कहा गया, लेकिन यहाँ पे गोल्डन हेयर यानी हेयर को रैम्पर्ट से कंपेयर किया गया। तो जब दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसे हम मेटाफोर कहते हैं, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यानी मेटाफोर का यूज हो रहा है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट यू येलो है। तो राइटर ये भी कह रहे कि अगर प्यार करना है तो खुद को करो, अपने आप को सावर, अपने इनर ब्यूटी को अच्छा करने की कोशिश करो, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, है ना, यू मतलब सेकंड पर्सन, मतलब द राइटर इज सेइंग टू द गर्ल, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, खुद को प्यार करो, नॉट योर येलो है, अपने सुनहरे बालों को नहीं, यानी दूसरे लोगों को भी अगर प्यार करवाना है खुद से तो उन्हें अपने आप से करो, अपने इनर ब्यूटी से करो। वी ऑल मे फॉल इन लव विद द अदर गाय विद देयर नोज आईज कलर, हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से प्यार करते हैं, चाहे अगर आपको किसी डांसर से मोहब्बत है तो उसके डांस स्टेप से पसंद है, किसी फुटबॉलर से तो उसके किक से पसंद है, वी डू नॉट लव द पर्सन फॉर जस्ट फॉर द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सिर्फ उस बंदे के लिए हम प्यार नहीं करते, एक सेल्फिश लव हर किसी का होता है। तो यहीं पे फर्स्ट स्टैंजा में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि उन यंग मैन को दुख मत दो अपने ग्रेट हनी कलर से, जो तुम्हारे बालों की तरफ, कानों की तरफ जो बाल ढक गए, तुम्हारे फेस नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से वो तुम्हें ना प्यार कर सके, तुम्हारे बालों को कलर प्यार कर सकते हैं, दो लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, दे मे नॉट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट यू येलो, तो दे शुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट यू येलो है, उन्हें तुमसे ही प्यार होना चाहिए ना कि तुम्हारे बालों से, यानी एक्सटर्नल चीजों से प्यार नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टैंजा बोलने की कोशिश किया। नाउ मूविंग टू द थर्ड सेकंड स्टैंजा व्हिच इज कि आपको
लड़की क्या जवाब देती है, वो एने, वो वेमेन, वो गर्ल क्या आंसर करती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों का कलर चेंज करवा सकती हूँ, है ना, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई ताकि कुछ ऐसा कलर करवा लूं जिससे उन्हें पसंद ही ना, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर्स देयर, और ऐसे रंग करवा लूं जैसे कि ब्राउन, ब्लैक और कैरोट, कैरोट रेड कलर को कहते हैं, तो इट मींस यहाँ पे बोला जा रहा है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं बालों का रंग ही बदलवा लूं और कुछ इस तरह के कलर करवा लूं जैसे कि ब्राउन, ब्लैक और कैरोट यानी रेड कलर, दैट यंग मैन, और उस यंग मैन जिसकी बात हो रही है, उन लवर्स की जिनकी बात हो रही है, इन डिस्पेयर, जो दुख के साए में है, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जो सिर्फ मुझे मेरे लिए प्यार करे, नॉट माई येलो हेयर बल्कि मेरे येलो बालों के लिए, मतलब पहले स्टैंड हमें उस यंग मैन की जो बात हो रही थी आने से, तो उन्होंने क्या कहा था कि दे मे लव यू, दे मे नॉट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, नॉट यू येलो हेयर, इट मीन्स कि तुम अपने आप के लिए प्यार करो या करवाओ बल्कि अपने येलो बालों के लिए नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों का रंग बदलवा सकती, कुछ ऐसा कलर करवा सकती जो कि ब्राउन, ब्लैक या कैरेट हो, और जो यंग मैन जो गम में है मेरे इन बालों की वजह से, इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, अब यहाँ पे मी यानी वो खुद को कह रही है, और माई सेल्फ यानी खुद को कह रही है, वहां पे यू और योर सेल्फ था, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जो मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार करे, नॉट माई येलो हेयर, मेरे येलो हेयर के लिए नहीं, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एवरीवन लव्स यू ऑन बेस्ड ऑफ समथिंग, एवरीवन इज लव बेस्ड ऑन समथिंग, हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है या किसी को प्यार किया जाता है किसी ना किसी वजह से, नो वन कैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कोई भी तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार नहीं कर सकता। अब हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा उस यंग मैन की बात, सेकंड स्टैंजा में हमने इस वुमन का आंसर देखा, लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा व्हिच इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पोयम। क्या कहते हैं वो, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, रिलीजियस मैन यानी साधु, संत, सेंट, सेंट भी कह सकते हैं हम यहाँ पे रिलीजियस मैन को, विच इज अ सेंट। तो आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, और कल ही रात मैंने उन्हें ये अनाउंस करते हुए सुना, डिक्लेयर मतलब अनाउंस, यस्टर नाइट बना है वर्ड यस्टरडे प्लस नाइट इक्वल टू यस्टर नाइट विच इज अ कंपाउंड वर्ड। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, मैंने कल ही रात को एक साधु को, एक संत को ये कहते हुए, अनाउंस करते हुए सुना है, दैट ही हैड found a text to prove, उसे एक टुकड़ा मिला है, एक written में एक टुकड़ा मिला है, he had found a text to prove, एक written में कुछ मिला है जिससे ये बात साबित होती है, he had found a text to prove that only God my dear, सिर्फ God, यानी कहा that only God my dear could love you for yourself alone, सिर्फ भगवान खुदा ईश्वरी हैं जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, not your yellow hair, तुम्हारे yellow बालों के लिए। तो इट मींस जो लास्ट सेकंड लाइन था कि दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, फिर से यहां पे यू और योरसेल्फ मतलब द राइटर और द यंग मैन जो कह रहे हैं कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन नॉट योर येलो हेयर, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बालों के लिए प्यार नहीं कर सकते। द पोयम इज गेट्स ओवर, और यहीं पे हमें ये मैसेज समझा रहता है कि दुनिया में हर एक इंसान जो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है किसी ना किसी वजह से, है ना, we all love somebody or we all are loved due to some reason, based on something, किसी ना किसी वजह से हम किसी की आईज को पसंद करते हैं, किसी की नोज को, किसी की आंखों को, तो ब्यूटी लाइज विद इन अस, खूबसूरती तो हम सब के अंदर, योर स्किन कलर मे फेड अवे, योर नोज, योर आई मे गेट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सब बदल सकता है, जो अनफेडेड होगा वो है आपके अंदर की खूबसूरती, तो ब्यूटी लाइज विद इन अस। तो इस मैसेज से, इस पोयम के मैसेज से यही बताया जाता है कि ब्यूटी लाइज विद इन अस नॉट आउटसाइड, ये बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है ना, एंड वी शुड लव समबडी जस्ट फॉर द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सिर्फ उसे उसके लिए प्यार करना चाहिए, जो कि एक सेल्फलेस लव है, जो कि एक माँ ही शायद अपने बच्चों को कर सकती है, जैसे कि अगर उसके बच्चे पैदा होते हैं जो शुरू शुरू नवजात जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उसकी स्किन का कलर कोई भी हो, ब्लैक हो या ब्राउन हो या ब्लू, किसी भी कलर, उसकी आंखें कैसी भी हो, टेढ़ी हो या सीधी हो, स्फेरिकल हो या बड़ी हो, उसकी नोज कैसे भी हो, लिप्स कैसे भी, फिर भी उसकी माँ से प्यार करेगी, दैट इज द सेल्फलेस लव। और राइटर यहाँ पे गॉड के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान खुदा ही है जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, बाकी दुनिया में हर कोई, एवरीबॉडी लव समबडी जस्ट फॉर अ रीजन, अपने एक रीजन के लिए, एक सेल्फिश रीजन के लिए प्यार करते हैं, सेल्फलेस लव यहाँ नहीं है। अगर आपको किसी से मोहब्बत करना तो एक सेल्फलेस लव होना चाहिए, एंड दैट लव वुड बी प्योर एंड वुड बी इटर्नल, यही एक पोयम से इस
के जरिए एक मैसेज जो विलियम बटलर ईट्स ने दिया, बहुत ही खूबसूरत मैसेज समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।